वालेकुम नमस्ते सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, एनसीपी नेता अवध सेज राम वाज नॉन वेजिटेरियन। अच्छा जी, ये कोई नई बात निकल आई है। आउटरेज ओवर सनातन इंसल्ट अगेन। चलिए मिलकर देखते हैं जी क्या मुद्दा है। रिजवान सर की बहुत जबरदस्त वीडियो होती है, मिलकर देखते हैं पहले वीडियो फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो खाते क्या थे राजा राम? और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। मैं सिर्फ अयोध्या कांड का इंटरप्रिटेशन एज अ लॉयर करके बता रहा हूं कि मैं अगर घर से जा रहा हूं और माँ से बोल के जा रहा हूं मैं शराब से, मांस से या किसी चीज से, बुरी चीज से दूर रहूंगा। मूर्तियां, इतनी चीजें, दीवारें सब मस्जिद के नीचे से निकली थी तो क्या उस जगह को मस्जिद कहना भी सही है? हाँ, तो साथियों कसम खा रखी है कि नरेंद्र मोदी जी को 350 सीटें लोकसभा 2024 में पार करानी है। एक कसम किसने खाई है? मैंने खाई है। अरे मेरी क्या औकात है भाई, क्या ये कसम भाजपा के नेताओं ने खाई है? ना 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 ना, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खाई है? ना 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 ना, ये कसम खाई है इंडिया अलायंस के नेताओं ने। जी हाँ, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो एनसीपी के नेता हो, साहब ये सनातनियों को भड़का के उत्तेजित कर नरेंद्र मोदी जी को 350 प्लस इस बार 2024 में पहुंचा ही देंगे। बस इसी पर है आज छोटा सा वीडियो, जो ये लोग बकवास करते हैं बिना रिसर्च के। और एक सवाल का जवाब भी दूंगा जो मिशन भारत के संबंध में पूछा गया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जना? तो साहब आप लोग समझ गए होंगे कि आज किस मुद्दों पर बात होनी है। दिग्विजय सिंह ने जो बकवास करी और एनसीपी के नेता ने जिस लहजे से एक धर्म की थियोलॉजी को या रिसर्च को जिस लहजे से बोला है, राम क्या खाता था, यू नो दैट वे, उससे ही पता चलता है कि इनके बारे में क्या श्रद्धा है। तो पहले सुनते हैं कि माने दिग्विजय सिंह जी ने फिर से अपने मुंह से क्या बका। अब ये तो नहीं बोल सकते क्या बोला, तो यही बोलना पड़ेगा क्या बका, जरा सुनिए। पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहां है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहां से आ रही है? बुलाया नहीं गया तो चिड़ इतने बड़े नेता के चेहरे पे नजर आ रही है। और क्या बोला, 1949 में जो मूर्ति वहां पर बरामद हुई थी, जिस पर FIR हुई थी, जिस पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है बरामद हुई थी, एक कहता है प्रकट हुई थी। बरामद होने का मतलब कि वहां पर उसको रखा गया था। तो अब साहब चिड़ के, पहले तो कह रहे थे सोनिया गांधी जी बड़ी एक्टिव है, बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन अब चिड़ गए हैं। तो चिड़ के ये बोलना है कि साहब वो जो मूर्ति थी वो कहां है, उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा, नई मूर्ति कहां से आ रही है? यार ये बेगानी शादी में ये अब्दुल्ला क्यों दीवाने हो रहे हैं यार? अरे मेरा अब्दुल्ला से मतलब बिल्कुल अब्दुल्ला नहीं है, ये एक मुहावरा है। क्यों बेगाने हो रहे हैं? क्यों ये अपना मजाक उड़वा रहे हैं? क्या इनको मतलब है? अरे कोई सवाल पूछे तो कह दो भैया हमें जब जाना होगा हम जाएंगे, जब हमें प्रभु राम बुलाएंगे हम जाएंगे, बात खत्म हो गई, जवाब दे के निकल लो। ये काहे अपनी फजीयत करवाते हैं? इस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि जो मूर्ति माना जाता है कि 1949 में, दोनों बातें लेके चलूंगा, वहां पर प्रकट हुई थी और ये भी माना जाता है FIR हुई थी कि वहां पर दास द्वारा रखी गई थी एक कंट्रोवर्सी को हाइप देने के लिए या हवा देने के लिए, उस मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो रही है। जी हाँ, जब आप डिटेल में पढ़ें, पर ये पढ़ते हैं नहीं, इनको सिर्फ बकना है मोदी के खिलाफ और रामलला के खिलाफ, कोई ना कोई कंफ्यूजन पैदा करना है। एक मंदिर में स्थाई मूर्ति होगी, एक अस्थाई मूर्ति होगी।
स्थाई मूर्ति वहीं लगी होगी जो अचर मूर्ति होगी, और दूसरी जो एक चल मूर्ति होगी वो कोई वहां पर प्रोसेशन, यात्रा, रामनवमी के दिन इस टाइप से जो निकलती हैं वो उसमें इस्तेमाल होगी। तो यहां पर दो मूर्तियां हैं, एक बड़ी और एक छोटी, लेकिन कांग्रेस के नेता को ये बात नहीं पता है। और इससे पहले मैं एनसीपी के नेता के बयान पर आऊं, या एक काम कर लेते हैं, पहले एनसीपी का बयान देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को राम मंदिर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। बहुत पुराना वीडियो था, मैंने देखा था, पर उसे ढूंढ के लाया हूं आप लोगों के लिए, तो देखिएगा जरूर। तो साहब एनसीपी के नेता ने क्या बोला, जरा ये सुन लीजिए। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कॉन्ट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था, कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एनसीपी के नेता के बयान तो आपने सुन लिया होगा बदतमीज का, कि क्या इस पर थोड़ी सी रिसर्च करके लाया हूं और कुछ अपना लॉयर माइंड इसमें मैंने लगाया है। किसी ने सवाल पूछा कि मिशन भारत में फीमेल कैडेट्स कितनी हैं। मिशन भारत में, वेरी गुड क्वेश्चन, मिशन भारत के पहले बैच में जब 10 हमने कैडेट लिए थे तो 2 फीमेल कैडेट्स थी, कैडेट चांदनी और कैडेट रीतम। और जब सेकंड लॉट हमारा पिछले साल आया, हमने 10 कैडेट्स में सेलेक्ट किए, उसमें 6 फीमेल कैडेट्स थी, कैडेट श्रद्धा 1, कैडेट श्रद्धा 2, 2 श्रद्धा हैं, कैडेट वर्षा, कैडेट सुनैना, कैडेट दीपाली और कैडेट रिया। तो 20 में से 8 फीमेल कैडेट्स हैं, और कोई भी फिजिकल टेस्ट हम बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग नहीं कराते हैं, टग ऑफ वॉर और फुटबॉल मैच और आर्चरी और एनसीसी सब साथ करते हैं। तो एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन एंड ज्वाइनिंग विद मिशन भारत। 2-3 दिन में आप लोगों को फाइनल फिगर बताऊंगा। आई एम शॉक्ड, और आपको भी शॉक लगेगा कि कितना लोगों ने बढ़ चल के मेरा साथ दिया है, इस मिशन का साथ दिया है। तो आते हैं मुद्दे पे वापस, जो एनसीपी के नेता ने बकवास की, राम क्या खाता था, जाके देखो राम क्या खाता था, अयोध्या कांड में जाके देखो राम क्या खाता था। अयोध्या कांड में 119 चैप्टर हैं, 540 चैप्टर करीब पूरी रामायण में हैं, जो 6 कांड में बटी हुई है। 6 कांड को आसान भाषा में 6 किताब हम मान लेते हैं। तो 119 चैप्टर में 2 जगह मात्र मांस का नाम आया है, पकड़ के चलिएगा, एज अ लॉयर इस चीज को इंटरप्रेट करके बता रहा हूं, मांस का, और कई जगह फ्रूट और रूट्स और फलहार इन सब चीजों का नाम आया है। पहला ये डिफरेंस समझ के आप चलिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुज्म में प्रोहिबिटेड है नॉनवेज, हिंदुज्म एक ऐसा मानता है, आस्था है, जहां कुछ भी चीज प्रोहिबिटेड नहीं है, तुमको खुला छोड़ दिया गया है, तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे विवेक पर, तुम्हारी सोच पर और तुम्हारी अकल पर। तुम मानो तो भी हिंदू, ना मानो तो भी हिंदू, नास्तिक भी हिंदू, आस्तिक भी हिंदू, ठीक। जो पानी छान कर पिए और मुंह पे पट्टी बांध के घूमे वो भी हिंदू, मुंह पे कपड़ा बांध के घूमे वो भी हिंदू, और जो मांस खाए वो भी हिंदू। तो टेक्निकली ये जो समझने के हिसाब से जितना मैंने समझा है कि इस मानता में कोई बंदिशें नहीं है, आपको छोड़ दिया गया है, फिर वो फैसला आपका कैसे होगा ये एक अलग मैटर ऑफ थियोलॉजी है। तो 119 चैप्टर हैं अयोध्या कांड में, जिसका जिक्र ये एनसीपी का नेता कर रहा है। पढ़ा जब मैंने इसको, कल रात को मैं पलट रहा था, सर्च कर रहा था, तो मैंने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। जब बच्चा हॉस्टल में जाता है, पढ़ने जाता है, तो वो अपने माँ बाप से वादा करता है, मान लीजिए अब तो जमाना थोड़ा डिफरेंट हो गया है, वो ये कहता है कि मैं मांस मछली शराब ड्रग से दूर रहूंगा, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या यह हुआ कि वो घर में मांस मछली शराब और ड्रग लिया करता था। देखिए बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, नहीं लिया करता था। लेकिन जब अयोध्या कांड में माता कौशल्या को यह पता चलता है कि इस तरह से उनका जो राम थे वो इस तरह वनवास पर भेजे जा रहे हैं, तो वो बड़ी आहत होती हैं। तो उनसे प्रभु राम वादा करते हैं कि वो जो भी लैंग्वेज के टर्म्स हैं, फलहार फलाना ये वो, मैं इस पर निर्भर रहूंगा। क्योंकि वो जंगल जा रहे थे तो वो अपनी माता से ये बोलते हैं कि तू निश्चित रहे, या तू सुनिश्चित रहे, मैं मांस आदि से दूर रहूंगा, मैं वहां इनका सेवन नहीं करूंगा।
इसका क्या मतलब ये हुआ कि वो अपने घर में सेवन करते थे। देखो भाई, मैं किसी को हिंदू को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं कि हिंदू मांस नहीं खाते हैं, खाते हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है। ना मैंने ये देखा कि प्रभु राम मांस खा रहे थे या नहीं खा रहे थे। कहीं भी एक चीज स्पेसिफिकली विविडली नहीं लिखी हुई है कि वो खाते थे या नहीं खाते थे। मैं सिर्फ अयोध्या कांड का इंटरप्रिटेशन एज अ लॉयर करके बता रहा हूं कि मैं अगर घर से जा रहा हूं और मां से बोल के जा रहा हूं मैं शराब से, मांस से या किसी चीज से, बुरी चीज से दूर रहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं घर में रहता था मैं मांस खाता था। पर तीसरी बार बता दूं, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कोई खाता था नहीं खाता था। और फिर एक आर्गुमेंट आता है कि जो सीता माता को अगर कोई मांस नहीं खाता था तो सीता माता ने प्रभु राम से क्यों कहा कि जाके उस मृग को, उस हिरण को मेरे लिए लेके आओ। ये गलत इंटरप्रिटेशन दिखाया गया है। गलत इंटरप्रिटेशन दिखाया गया है कि प्रभु राम निकले और वो तीर लिए जा रहे हैं किसके लिए, उस मृग को मारने के लिए। ना, आइडिया ये था कि उस मृग को पकड़ के लाओ, मैं उसको अयोध्या लेके जाऊंगी, इसने मेरा मन बहा लिया है। फिर ये एक उसमें एक सजेशन आता है श्री लक्ष्मण की तरफ से, इफ आई एम रॉन्ग मुझे कोई कनेक्ट करेक्ट कर सकता है, पर जो मैं बता रहा हूं पढ़ के बता रहा हूं, जिम्मेदारी से बता रहा हूं। तो लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि मुझे ये डर है कि ये कोई छलावा है, कोई धोखा है, अगर छलावा या धोखा है तो इसकी हत्या, इसका वध कर दिया जाएगा। ये है वो स्टोरी। सीता माता ने यह कहा कि इसको मार के लाओ, ये चीज कहीं नहीं है, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, जो पढ़ता हूं वो ही बोलता हूं, चाहे किसी आस्था किसी धर्म की बात हो। तो ये कहीं नहीं है कि मैं वहां खाता था और वहां नहीं खा पाऊंगा, सिर्फ इतना है मैं वहां इसका सेवन नहीं करूंगा, और वो भी इतनी सरल भाषा में नहीं है जिस भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सो दिस इज द होल आइडिया। लेकिन इन लोगों ने कसम खाई है कि प्रभु राम के चक्कर में अभी इनके लगता है पूरी गैस निकली नहीं है, ये अभी और लाभ करवाएंगे, किसका, भाजपा का और नरेंद्र मोदी का। और हाँ, चलते चलते एक बहुत पुराना वीडियो ढूंढ के लाया हूं, क्योंकि बात राम मंदिर की छिड़ी हुई है, आग लगी है, मिर्चा लगी है, कुतर्क दिए जा रहे हैं। तो साहब, जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर का फैसला सिर्फ आस्था के नाम पर दिया गया था, वो चलते चलते इस वीडियो को जरूर देख लें और आप लोग भी देख लें। तो हाईकोर्ट के आदेश पर जहां पर बाबरी मस्जिद स्थित थी उसके नीचे की जब खुदाई हुई थी तो उसके नीचे से क्या क्या मिला था, कुछ चीजें आप ये देख लीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जो लोग कहते हैं कि इसका फैसला आस्था के नाम पर दिया गया है, वो चलते चलते ये समझ लें, और जरा सा भी ईमान, जिल्लत और शर्म उनके अंदर बाकी है तो ये मान लें कि मस्जिद के नीचे से ये सब चीजें कैसे निकल सकती हैं, और ये फैसला आस्था के नाम पर नहीं दिया गया था। जैसा मैंने बताया, एक कोई ईंट और कोई सुरैया या टूटा हुआ मटकी नहीं, इतने मूर्तियां, इतनी चीजें, दीवारें सब मस्जिद के नीचे से निकली थी। तो क्या उस जगह को मस्जिद कहना भी सही है? ये हर इंसान अपने ईमान से पूछे जो ये कहता है कि वहां से मस्जिद हमारी छीन ली गई या हटा दी गई। ये वहां पर अयोध्या में पूरा म्यूजियम है जिसमें ये चीजें डिस्प्लेड हैं, और ये एज एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड सपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग मिशन भारत। 2-3 दिन के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दूंगा, और बात को अगर आप मेरी मानते हैं, लोहा या दम और ईमान, तो यकीन करिए 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को एक बहुत गुड न्यूज दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप सपोर्टिंग मिशन भारत। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था रिजवान सर का, बात कर रहे थे राजा राम के हवाले से और राम जी के हवाले से, और मुद्दा यही था कि एनसीपी के जो नेता है उन्होंने जो बयान दिया है, एक तस्दीक अमेज बयान, कि राम क्या खाता था, वो मेथी की सब्जी खाता था, वो एक ठट्ठा, एक मजाक उड़ाने की कोशिश की है। और जो शुरू में रिजवान साहब ने कहा कि ये मोदी को 350 सीटें दिलवा कर ही छोड़ेंगे, दम लेंगे, क्यों भड़का रहे हैं सनातनियों को, और भड़के भी ये भी क्यों नहीं। अब देखिए, अगर यही चीज हमारे पाकिस्तान में,
हमारे मजहब के हवाले से जितना मर्जी को लीडर होता बोलता, तो आज वो कहीं मिट्टी के नीचे दफन होता या कहीं सुराखों के पीछे होता। तो देखिए ये वो चीज है कि वहां राजा राम के मानने वालों को जो भड़काया जा रहा है, तो वो इस सब चीजों का बदला अपने वोट से लेंगे। इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। देखिए हम मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी हैं और एक दूसरे देश में बैठे हैं, हम वहां की नीतियों चीजों को समझ रहे हैं लेकिन पूरा नहीं समझते ना पूरा तरीके से जानते, जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम में इतना वो जरफ या जमीर या हम में वो इतना अखलाक है कि हमने राम जी का नाम कैसे लेना है। हम राम क्या खाता था, मेथी की सब्जी खाता था, ये क्या तरीका, वो मांस खाता था, क्या खाता था, तुम्हें इससे क्या मतलब है। लेकिन ये लोग खुद ब खुद इस सब चीजों को अपने गले में डाल लेंगे और ये इनके हलक की वो जो क्या कहते हैं वो ना निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे, ये इनके गले में ही फांस मान के रह जाएगी। और ये वो चीजें हैं कि इन्हें इनसे बचना चाहिए। देखिए मजहब पे यूं बात किसी भी मजहब के हवाले से, अब मैं अक्सर देखता हूँ हमारी वीडियोस पे लोग इस्लाम के बारे में बहुत ही कई लोग ऐसे जाहिल होते हैं, बुरा बोलते हैं, तो वो अपनी ही अखलाकी तरबियत को पेश कर रहे हैं। किसी भी मजहब के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी मजहब बुराई का दरस नहीं देता है। आप जितने मर्जी एक्स मुस्लिम देखिए, फलाना देखिए, ढिमका देखिए, लेकिन असल चीज वही है जो हर धर्म सिखाता है। और असली तरबियत भी यही है कि हमें दूसरों के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। वो उस अपने धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, हमें वो मानना चाहिए, हमें उस चीज की इज्जत करनी चाहिए कि हाँ जो सनातनी है वो अपने धर्म के लिए ऐसा सोचते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, और हमें भी उसी चीज की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन ये पता नहीं कौन लोग हैं जो अपने ही देश में रहते हुए ऐसे बयान अपने ही धर्म को लेकर और राम जी को लेकर ऐसी बातें करें, तो समझ से बाहर है। और ये वाकई में फिर इसका बदला तो मोदी जी के 350 सीटों से ही आएगा, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे एनसीपी का नेता हो, या किसी भी पार्टी से, चाहे बीजेपी का ही क्यों ना हो, लेकिन वो जब इस ट्रैक से हटेगा तो फिर आवाम उससे खुद ही पूछ लेगी कि भाई तुम्हारी मंजिल क्या है। वो तुम्हें बता कर रहेगी कि राजा राम कौन थे, वो मेथी खाता था, वो सब्जियां खाता था, वो बेर खाता था, वो फल फ्रूट खाता था कि मांस खाता था, तुम्हें खुद सारी समझ आ जाएगी। लेकिन ये जो धर्म को वो डबल माइंड करने वाली गेम है, इससे बचना चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें कि राम जी का, श्री राम जी का नाम लेते हुए हम जो है ना वो ये ख्याल करते हैं कि यार हम जो है ना वो भगवान का नाम लेने लगे हैं तो कहीं हमसे कोई ऐसी गलती कुताही ना हो जाए अल्फाज में तलफ्फुज में। लेकिन वो देखें कि वहाँ पे इंडियन होते हुए, वहाँ पे रहते हुए, वहाँ का कल्चर समझते हुए, और फिर देखें कि वोट बैंक भी उनसे ही लेना है, यानी वोट भी उन्हीं से लेना है जिनके वो मुखालफत करें। जी जितने मर्जी ये इंतशार पसंद ये ऐसे ये बयान देते रहें, इनसे कोई नहीं उनको फर्क पड़ेगा। राम जी के वो टेंपल का जब उद्घाटन होगा तो उनको सब पता चल जाएगा कि भाई ये उनके कहने से कोई चीज कम हुई है या बड़ी है। ये खुद अपने पांव को कैसे कहते हैं कि कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है कि ये खुद अपने पांव काट रहे हैं। ये इनको इस चीज का पता नहीं क्यों, ये कैसे सियासतदान है मुझे ये नहीं समझ आती कि ये देखिए कि इनको अगर फ्यूचर में जाके उन्हीं की जरूरत है और उन्हीं पे आप तनकीद कर रहे हैं। तो बस यही वजह है कि देखिए जब इलेक्शन आएगा तो यही लोग जाके पहले राम जी पे उधर जो है ना टेंपल में जाएंगे, पहले यही माथा टेकेंगे, पहले जाके यही जो है ना अपनी सियासत वहीं से चमकाएंगे। तो भाई जब ऐसे लोग जो है ना वोट मांगने आए तो उनसे पहले पूछ ले, आप बताओ भाई वो सब्जी खाते थे या मांस खाते थे। तो भाई आप देखिए हम यकीन माने कि हमें अब जो है ना यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हमें जो है ना 6 माह हुए, वैसे तो हमें साल 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि शुरू से ही देखिए, आप तो हम काफी कुछ जो है ना सनातन के हवाले से जान चुके हैं, हमें जानकारी आ चुकी है, लेकिन हमने शुरू से यही कोशिश की है कि हम कोई ऐसे अल्फाज या ऐसे तरीके से कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे हमारे व्यूअर्स की दिल आजादी, हम हमारा लहजा भी ऐसा ना उनको लगे कि भाई ये देखिए कि ये जो चीज है ना ये कोई किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो हम देखिए हालांकि हमारे जो चैनल के ऊपर जो है ना कमेंट्स जो है
वो 90% जो है ना वो हमारे मजहब के खिलाफ ही आते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें करते हैं लेकिन हम उसको फिर भी इग्नोर करते हैं। चीज ये है कि अगर हम देखें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छे होंगे तो कोई हमें भी बुरा नहीं कहेगा। हाँ, किसी के कहने से हम बुरा नहीं हो जाएंगे, लेकिन ऐसे जो रवैये होते हैं कि एक सिर्फ जो है ना पॉलिटिशियन कुर्सी के लिए कि यार एक मजहबी जो है ना दिलादारी करना, ये बहुत ही बुरी बात है। और फिर देखिए अपने ही हम मजहबों की, बिल्कुल देखिए ये दूसरे करते, ये जो और जो मुस्लिम जो पार्टियां हैं वो करती तो समझ आता था, लेकिन ये हिंदू पार्टियां ही जो है ना वो कर रही हैं। तो ये ऐसी का बयान आया था कि नौजवानों क्या तुम्हें नहीं होता, चलो उसका तो बनता है ना यार, चलो ये मुस्लिम है वो उसके ऊपर चूरन बेच रहा है लेकिन वो उसका भी नहीं बिक रहा, लेकिन ये हिंदू जो है ना इनको क्या हो गया? आप देखिए ये एक बात कर रहा है जी, तो वो मूर्ति कहाँ है जी, ये नई मूर्ति कहाँ से आ रही है, अब ये कल को ये बात करेंगे, ये कोई लॉजिक उनका बनता है? कल को ये बात करेंगे ये मूर्ति पत्थर से नहीं बनी, सोने से बना दी है, ये सोने से नहीं बना, ये चांदी से बना दी है, ये इसको जिसने बात करनी है उसने करनी ही करनी है। लेकिन इन बातों से मैं बार बार कह रहा हूँ, पता नहीं हमारे व्यूअर्स जो है ना वो सुनते हैं इन तक हमारी बात जाती नहीं होगी, तो चीज ये अगर किसी तरह से इन तक ये बात जाए तो अगर आप अपनी इज्जत बनाना चाहते हो, अपना मोराल बुलंद करना चाहते हो, तो मोदी जी पर तनकीद करना छोड़ दो, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो, मजहब को एक साइड पे रख दो, निकाल दो अपनी सियासत से मजहब को, फिर आवाम आपकी तरफ मुतवज्जो होगी। अगर आप इसी तरह से ये इसी तरह से अटकेलियां करते रहे और हम मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता ऐसे अल्फाज बोलते रहे तो आप अपने लिए गड़ा खुद खोद रहे हो। ये 350 तो कुछ भी नहीं है, अगर यही आपका हाल रहा तो ये 400 भी क्रॉस कर जाएगा। तो चीज ये है, ये ना हो कि पूरी की पूरी जो है ना वो सत्ता ही पलट जाए और ये हर तरफ मोदी मोदी हो और अपोजिशन का नाम भाई नाम ही हो, 10-12 लोग हो, बाकी सारे के सारे जो है ना बीजेपी पार्टी हो। तो भाई अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, आप ही का भी तो मजहब है, सिर्फ मोदी जी का मजहब ही है कि वो उसको कैप्चर कर रहे हैं, उसको हाईजैक कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी कर लो अपनी परफॉर्मेंस आप ना आप करो नहीं तो। आप भी मजहब को इस्तेमाल करो। आप देखे जी ये राम मंदिर बना है जी, हमने भला फलां जगह पे वहां पे जो है ना वो जी गणेश जी का मंदिर बना देना, वहां पे जाके सीता माता का हमने मंदिर बना देना, तो भाई ऐसा आप भी कर लो, चलो सियासत के लिए कर लो। मान लिया कि मोदी सियासत के लिए कर रहा है, वो अपने इलेक्शन के लिए कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे? आप सोए हुए थे, आपकी अकल काम नहीं करती, आप ऐसे काम करके लेकिन फायदा पहुंचा रहे हो मोदी जी को। ये विरोधी रहेंगे लेकिन सियासत भी करेंगे, और सियासत के लिए कभी इधर तो कभी उधर। और अक्सर तो अल्लाह हाफिज इनका, अक्सर मीम्स आती हैं राहुल गांधी की, तो वो उस पे फिर एक हंसी ही आती है और उस पे क्या किया जा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त वीडियो था, मजा आया, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।